हेलो दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी जीव विज्ञान भाग 6। इसमें हम कवर करेंगे अंतः स्रावी तंत्र के बारे में, जनन ग्रंथि के बारे में, विटामिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सभी टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लूसेंट सामान्य ज्ञान इस बुक में से। और ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कितनी जरूरी है उस बुक को पढ़ना, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस बुक की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बुक को रीड करना ही करना होगा। अगर आप इस बुक को रीड नहीं कर रहे हैं, कोई लोकल पब्लिकेशन की कोई भी बुक पढ़ रहे हैं छोटी मोटी, उसको पढ़ के आप जा रहे हैं, कुछ टॉपिक आपके छूट जाएंगे पक्का। तो इसलिए मैक्सिमम स्कोर करना है तो ये बुक को आपने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो पार्ट 6 हम बात कर रहे हैं, देखिए इससे प्रीवियस पार्ट कवर हो चुके हैं, तो अगर आपने वो सब पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, लूसेंट जी के वीडियो की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप तमाम वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट निकालिए अपने पास रखिए या ये बुक अपने बुक सेल्फ में से ये बुक निकाल लीजिए और एक हाईलाइटर या फिर कोई पेन आप पास में रखिए, जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उन सबको आप अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या करना है अंडरलाइन। तो अंडरलाइन जो करना है हमने इस बुक में, यह है आपका अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। पेज नंबर जो है इसका फिलहाल पेज नंबर 440 है बायोलॉजी का। तो इसमें जो आपने कवर करना है वो आपको पता होना चाहिए। पीयूष ग्रंथि क्या होती है? तो ये होती है, यह है कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको सेल ट्रसिका सेल भी इसको बोलते हैं। और इसका बाहर क्या होता है? देखो पीयूष ग्रंथि का बाहर तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे इसका भार पूछ लेता है कभी कभी। तो इसका भार होता है 0.6 ग्राम। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि की संज्ञा दी गई है या नाम से जाना जाता है? तो वो है आपके पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि, याद रखिएगा, ठीक है। ये एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और कभी कभी काफी सारे कमेंट्स मुझको इस चीज के लिए मिलते हैं कि सर ये बुक इसके लिए इम्पोर्टेंट है, रेलवे के लिए क्या इम्पोर्टेंट होगी, या एसएससी या फिर जेई के लिए या फिर इसके लिए उसके लिए। एक्चुअली ये हर एग्जाम में काम आएगी, ठीक है। तो आपको इतना तो पढ़ना पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए हम बोलते हैं एलटीएच हार्मोन क्या होता है। देखिए एलटीएच हार्मोन काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शिशु के लिए स्तनों में दूध स्राव उत्पन्न करना, ठीक है। जैसे कि स्तन होते हैं लेडीज के, तो उसमें जो दूध का स्राव होता है, दूध जो निकलता है उसमें से, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसके लिए हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एलटीएच हार्मोन। कभी कभी साइंस के बायोलॉजी में से यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी आपका, ये केरल में ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, तो वहां पे भी, या फिर अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपको इस हार्मोन का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं घेगा। घेगा जो होता है भोजन में आयोडीन की कमी से यह रोग होता है। भोजन में किसकी कमी के रोग से क्या होता है? घेगा रोग होता है। तो ये होता है आयोडीन की कमी से। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि उत्तेजना के समय एड्रीनेलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, जिससे हमें क्या आता है? क्रोध आता है, डर लगता है, और खतरे के समय क्या होता है? ये सक्रिय हो जाता है, ठीक है। तो क्रोध, भय, जो ये सब जो उत्पन्न होता है, ये इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एड्रीनेलिन हार्मोन। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है, हार्मोन का नाम। जनन ग्रंथि क्या होती है? तो एक होता है एस्ट्रोजेन, एक होता है प्रोजेस्ट्रॉन। तो यह जो होता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट केवल सेकेंड वाला है। तो यह एस्ट्रोजेन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं वृषण के बारे में। तो इससे निकलने वाले हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब हम बात करते हैं श्वसन के बारे में, थोड़ा सा श्वसन के बारे में। देखिए इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट तो खैर इसमें मुझको नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी नहीं करा। देखिए थोड़ा बहुत इसका बेसिक क्या होता है श्वसन तंत्र। देखिए मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? ये होता है फेफड़ा या फुफ्फुस, मतलब लंग्स कहते हैं इसको, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे बोलते हैं फुफ्फुसीय, ठीक है ना। फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं इसको, मतलब कि ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये गैसों का जो लेन देन करता है, ये सब लेन देन किसका जिम्मा होता है? ये जिम्मा होता है फेफड़ों का, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑक्सीजन का परिवहन जो ब्लड में पाए जाने वाले लाल वर्णक मतलब हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अगर जैसे ब्लड में आपको पता होगा हीमोग्लोबिन होता है,
ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में, कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ। तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का एक्चुअली फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को यहाँ से वहाँ जो ट्रांसफर करता है ब्लड के माध्यम से, तो वो कौन करता है? वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोग्लोबिन। और फेफड़ों में आने वाली गैसीय विनिमय को क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं आपसे ग्लाइकोलिसिस। इसका अध्ययन सबसे पहले किसने करा था? इसका अध्ययन सबसे पहले करा था एम्बडेन मेयर हॉक ने, और इसलिए इसे ईएमपी पथ भी कहते हैं। ईएमपी पथ मतलब इसी के नाम पर पड़ गया इसका, ईएमपी पथ। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा मुक्त होती है और मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों का होना आवश्यक होता है। तो उसके पास कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सही होनी चाहिए, बॉडी के अंदर प्रोटीन होना चाहिए, वसा, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल और खनिज लवण और जल। तो ये 7 चीजें हैं जो पोषक पदार्थ के लिए आवश्यक होती हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:2:3 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का अनुपात क्या है? किससे मिलकर बनता है ये? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनका रेशियो क्या होता है? 1:2:1। इनसे मिलकर क्या बनता है? इनसे मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के एक्चुअली मुख्य कार्य क्या होते हैं? ये विटामिन सी का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का निर्माण कौन करता है, तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद हम बात करते हैं क्वासीओरकर। तो क्वासीओरकर, इस रोग में बच्चों का हाथ पांव क्या होता है? दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है। और एक होता है आपका रोग मरासमस। तो मरासमस जो रोग होता है, इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। मांसपेशियां ढीली हो जाएंगी तो क्या होगा? बच्चा काफी फ्लेक्सिबल हो जाएगा, रबड़ के समान उसका हाथ बहुत जल्दी झूल जाता है, उसको लगता है कि उसके अंदर हड्डियां वगैरह मांसपेशियां नहीं है। तो ये रोग कौन सा होता है? ये रोग होता है मरासमस। फिर हम बात करते हैं वसा के बारे में कि 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो 1 ग्राम वसा से 9.3, ये आप याद रखिएगा, इतने कैलोरी ऊर्जा, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन का आविष्कार किसने करा था और कब करा था? विटामिन का आविष्कार करा था फंक ने, ठीक है, याद रखिएगा। फंक ने क्या करा था? विटामिन का आविष्कार करा था और सन 1911 में इसका आविष्कार हुआ था। और उसके बाद कुछ विटामिन के बारे में हम बात करेंगे कि जल में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है और वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होता है वो होता है बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, जबकि वसा में घुलनशील होता है आपका ADEK, अडैक बोलते हैं उसको, ठीक है, अडैक, ADEK क्या बन गया? अडैक। अडैक को डाल दो वसा में, अडैक एक कीड़ा समझ लो, किसी को बोल दो कि कीड़ा है, हम उसको डालेंगे वसा में तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो अडैक इसका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्टकट ट्रिक है याद करने की। बी और सी तो कॉमन सी बात आपको याद हो गया होगा। सिंपल कुछ मत करिएगा, कल जब आप नहाने जाएंगे बाल्टी में पानी होगा उसके ऊपर लिख देना, पानी से अपने हाथों से लिख देना बी, फिर लिखना सी, आपको ऑटोमेटिक ये चीज याद हो जाएगी। तो कभी कभी कुछ प्रैक्टिकल करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये जल में घुलनशील विटामिन याद हो जाएंगे, ठीक है। मतलब बाल्टी में पानी भरते हो ना तो उसके ऊपर पानी से अपने फिंगर से लिख देना बी और सी, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। अब देखिए विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, सॉरी, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट कौन से विटामिन में मिलता है? तो ये मिलता है विटामिन B12 में। और विटामिन बी का संश्लेषण कहाँ पे होता है? सूर्य के प्रकाश से हमको मिलता है विटामिन डी। आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, जैसे जब वो न्यू बॉर्न हुआ होगा, ठीक है, तो जैसे वो बॉर्न हुआ होगा आपने उसकी मालिश करी होगी, उसको धूप दिखाते हैं हम लोग, तो विटामिन डी की मात्रा हमको कहाँ से मिलती है? ये मिलती है प्रकाश से। और उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है इसका, ठीक है। विटामिन डी हमको सूर्य से मिल जाता है, प्रकाश जब पड़ता है पराबैंगनी किरणों की फिल्ट्रेशन चलती है। ये काफी डीप कंसेप्ट है, आपको सिंपल याद करना है। विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? सूर्य के प्रकाश में होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। जल में घुलनशील बी और सी है। अडैक क्या है? अडैक वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन की कमी से होने वाला रोग और उसके स्रोत। विटामिन ए, B1, B2, B3।
रासायनिक नाम क्या है केवल आपको ये याद करना है, रोग और स्रोत। तो स्रोत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से स्रोत आपको याद करने हैं। फिलहाल आपको याद करना है विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अब हम बात करते हैं कि इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है। तो एग्जाम में जो मैक्सिमम रोग आपसे पूछता है वो आपसे पूछेगा यहाँ पर रतौंधी के बारे में, ठीक है। तो इस रोग के बारे में आपसे पूछेगा तो आप याद रखिएगा रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बी बेरी बेरी, बी बेरी बेरी, और सी याद करिएगा स्कर्वी, ठीक है। सी स्कर्वी, बी बेरी बेरी। तो स्कर्वी के बारे में अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं बात करता हूँ विटामिन बी वन। विटामिन बी वन जो होता है वो थायमिन होता है रासायनिक नाम। तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है, क्वेश्चन ये पूछता है आपसे एग्जाम में, और इसका रासायनिक नाम है थायमिन। और इसकी कमी से होने वाला रोग जो होता है वो होता है बेरी बेरी। अगर ये रोग हो जाए तो उस इंसान को, उस मनुष्य को क्या खाना चाहिए, तो इस कमी को जो पूरा करता है वो करता है आपका मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च और बिना धुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। तो विटामिन बी की कमी एक्चुअली बॉडी में काफ़ी कम होती है, लेकिन स्कर्वी, विटामिन सी की कमी बॉडी में अधिकतर हो जाती है। तो ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी वन भी इंपॉर्टेंट है, इसका रासायनिक नाम है क्या, थायमिन। और विटामिन अगला है बी टू, इसका जो रासायनिक नाम है वो है आपका राइबोफ्लेविन। विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन, त्वचा का फटना, जैसे कहते हैं एड़ी फट गई, लिप्स फट जाते हैं, तो ये सब जो होता है वो विटामिन बी टू की कमी से होता है। और आंखों का लाल होना, जीभ का फट जाना, तो ये सब आता है इसी की वजह से विटामिन बी टू की। अब विटामिन बी थ्री क्या होता है, विटामिन बी थ्री होता है आपका पेंटोथेनिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल, बाल सफ़ेद होना। अगर किसी इंसान के उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो उसके बॉडी में कौन से विटामिन की कमी होती है, विटामिन बी थ्री की कमी होती है। और विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। और इसके स्रोत क्या होते हैं, किसकी कमी से हम इसकी कमी को हम कैसे पूरा करते हैं, तो इसके स्रोत होते हैं हमको मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर आदि खाने चाहिए। तो उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए स्कर्वी विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका होने वाले रोग का नाम है स्कर्वी और मसूड़े का फूलना। और इसका मुख्य स्रोत है खट्टे फल, खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। विटामिन डी, विटामिन डी सूर्य का प्रकाश वाला बताया था मैंने आपको विटामिन डी, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल। रिकेट रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और इसका स्रोत है आपका मछली युक्त तेल और दूध और अंडे। विटामिन ई टोकोफेराल, याद रखिएगा विटामिन ई टोकोफेराल। तो रासायनिक नाम आपको सबके याद करने हैं, क्या क्या होते हैं जो जो हाईलाइट करे हैं वो। और विटामिन के होता है आपका फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का न बनना। तो विटामिन के की अगर कमी होगी तो क्या होगा, ब्लड की क्लॉटिंग, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और विटामिन के मैक्सिमम किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है टमाटर में। इसलिए कुछ लोग कच्चा टमाटर खाते हैं ना, कहते टमाटर ये कच्चा टमाटर खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो वो होता है टमाटर विटामिन के की मात्रा बॉडी में बढ़ा देता है। आगे हम बात करते हैं, देखिए जल, मनुष्य इसे पीकर प्राप्त करता है। जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव होता है और शरीर के भार का 65-75% जो भाग होता है वो होता है जल। और हम बात करते हैं संतुलित पोषण की, बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, वह पोषण जिससे सजीव के लिए, जिससे जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। एक ऐसा भोजन जिसमें क्या होनी चाहिए, हर चीजें होनी चाहिए, तो वो होता है संतुलित पोषण। आजकल जो होता है दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें क्या होता है आयरन और विटामिन सी का अभाव होता है। दूध खट्टा नहीं होता है, दूध फटने के बाद खट्टा हो जाता है वो बात अलग है, लेकिन दूध में एक्चुअली आयरन और विटामिन सी नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग इसको संतुलित आहार नहीं मानते हैं। पहले दूध एक्चुअली एक संतुलित आहार की श्रेणी में आता था,
कैटेगरी में रखा जाता था उसको, लेकिन अब क्या हो गया, दूध जो होता है वो संतुलित आहार में से हटा दिया उसको, क्योंकि जब उसमें देखा गया कि लोग जरूर से ज़्यादा दूध पी रहे हैं तो उनकी बॉडी में आयरन की कमी हो रही है, विटामिन सी की कमी हो रही है, तो ये चीज़ें उस लिस्ट में से बाहर हो गई हैं। संतुलित पोषण में मतलब हर चीज़ होनी चाहिए। अब हम कुछ बात करते हैं आगे, देखिए कि मानव शरीर की कैलोरी संबंधी कुछ आवश्यकताएं निम्न प्रकार की होती हैं, ठीक है। जैसे कि हल्का कार्य करने वाले, जैसे कि बैठे बैठे कंप्यूटर भी काम कर रहा है, तो ये हल्का कार्य है, तो इसके लिए जो पुरुष के लिए जो कैलोरी की आवश्यकता होती है वो होती है 2000 कैलोरी की आवश्यकता, और 2100 जो कैलोरी की आवश्यकता होती है वो पड़ती है स्त्री को जरूरत, ठीक है, फीमेल को। मेल के लिए 2000, फीमेल के लिए 2100। अब हम बात करते हैं 8 घंटा कार्य करने वाले व्यक्ति को कितने कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो पड़ती है 3000 कैलोरी की आवश्यकता 8 घंटे। एग्जाम में इसलिए पूछता है, किसी भी ऑफिस का जो वर्क होता है वो 8 घंटे ही होता है, ठीक है। तो यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि 8 घंटे कार्य करने वाले व्यक्ति पुरुष को कितनी कैलोरी की एक पर्याप्त मात्रा आवश्यक होती है, तो आप याद रखिएगा 3000 कैलोरी। अगर बात करें फीमेल पूछे स्पेशल डेडिकेटेड, आपको फीमेल वर्ड यूज करें वहां पर क्वेश्चंस में, तो वो आपके लिए होगा 2500 कैलोरी। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो। इसके बाद एक लास्ट पार्ट और बनेगा बायोलॉजी का, उसके बाद में ये आपकी बायोलॉजी कंप्लीट। हिस्ट्री पूरी हो चुकी है, ज्योग्राफी भी अब कंप्लीट हो चुकी है, अब ये बायोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में मैं कुछ और पॉइंट इस बुक के लूँगा, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन आपको इस चैनल पे कोई भी अगर वीडियो अपलोड होता है डेली का, एक दो वीडियो अपलोड होते हैं इसमें डेली, अगर उस नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो आप सबसे पहले इस चैनल को अनसब्सक्राइब करना, उसके बाद में सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना। बेल आइकन आपको नोटिफिकेशन देगा, कोई भी वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना आपको मिलेगी बेल आइकन के थ्रू। तो बेल आइकन पे क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और आप चाहें तो इस चैनल को पेटीएम के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाथ बहुत टाइट है, ठीक है, तब मत करिए आप लोग, लेकिन आप एक वर्कर हैं तो आप कंट्रीब्यूट आप आसानी से इस चैनल पे कर सकते हैं। आपका एक एक कंट्रीब्यूशन इस चैनल पर ही यूज़ होगा, ठीक है। पेटीएम नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला वीडियो अगर आप देख रहे हैं, आपके पास बुक नहीं होगी उस समय, तो आपके पास थोड़ा सा गैप है अभी, कुछ घंटे बचे हैं नई वीडियो अपलोड होने में, तो तब तक आप एक काम करिए, मार्केट से बुक परचेज कर लीजिए या फिर ऑनलाइन बुक परचेज कर लेना, ठीक है। तो लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर। Thank you.